लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी हमने क्या बताया, दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी का मतलब होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सजीवों का अध्ययन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बायोलॉजी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बायोलॉजी। यानी कि एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लिविंग का अध्ययन करते हैं, यानी सजीवों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोग बायो पढ़ रहे हैं, इस डेफिनेशन को याद करेंगे। अगर हम बायोलॉजी मीनिंग को समझे तो बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें। अगर हम बायोलॉजी वर्ड को तोड़ते हैं तो उसमें इसको डिवाइड करें तो बायोधनलॉजी, जिसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं बायोधनलोकस। यहाँ पे किस फॉर्म में टूटेगा, बायो बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स लाइफ, बायो का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे सब कुछ नोट डाउन करते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे, हमेशा ध्यान देंगे। बायो का मतलब क्या है, लाइफ है। एंड लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी है। क्या होता है, स्टडी, यानी कि जिसमें किसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखो एकदम शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन आपका मिल जा रहा है, दैट इज द लाइफ का स्टडी करते हैं ना, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन, जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज द बायोलॉजी। इसको हम एक फॉर्म में और कहीं कहीं भी आपको देखना मिलेगा कि यहाँ पे बायो की जगह पे बायोस लिखा रहता है, उसका मीनिंग बायोस भी होता है। डेलोजी में लोगस ना, ये मीनिंग इसकी है, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें किसका अध्ययन करा जाता है, लाइफ का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बायोलॉजी बोलते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करते चलेंगे। अब हम सबसे पहले बायोलॉजी टर्म की बात करें तो बायोलॉजी टर्म जो है किसने दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल द बायोलॉजी टर्म इज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1902। यानी कि बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1902 ईस्वी में दिया था, 1902 में, जो भी ईस्वी हो ईस्वी को आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, लिखेंगे द बायोलॉजी टर्म इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, यानी कि जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिंदी में भी इसको लिखते चलेंगे, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1902, जो भी ये साल होगा थोड़ा 1902 में कौन लिए थे, लैमार्क एंड, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे ट्रेविरेनस, उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, अभी बताया ना, सिंपल वे में सब कुछ समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, इसका नोट जरूर बनाएंगे। अब आपको एकदम बिल्कुल क्लास की फीलिंग आनी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम चलते हैं कि बायोलॉजी के पिता कौन है, दैट इज द फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी वो होंगे जिनको बायोलॉजी के बारे में एकदम कोड ज्ञान होगा, उनको क्या बोलेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द अरस्तु और अरिस्टोटल। हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। एंड इंग्लिश में हमेशा ध्यान देंगे स्टूडेंट, कहीं कहीं पे कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो भी इंटरव्यू होता है वहाँ पे अरस्तु की स्पेलिंग पूछ लेते हैं ना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे ध्यान देंगे इनकी इंग्लिश क्या होती है, ARISTOTLE, दैट इज द अरिस्टोटल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं, जो कि ये क्या है, दैट इज द फादर ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको क्या कहा जाता है, दैट इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के जनक या पिता कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजी, देयर आर डिवाइडिंग बायोलॉजी ना, डिवाइडेशन ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। अगर स्टूडेंट हम टाइप्स ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो द बायोलॉजी देयर आर टू टाइप्स, यानी जीव विज्ञान दो प्रकार का होता है हमारा, आप लोग जानते भी होंगे कौन कौन, फर्स्ट जूलॉजी, देन सेकेंड बॉटनी, सेकेंड क्या होता है
बॉटनी होता है, फर्स्ट क्या होता है जूलॉजी। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे जूलॉजी का, देन उसके बाद हम क्या समझेंगे बॉटनी क्या थी, बॉटनी क्या होता है। अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी भी यानी कि जू का मतलब चिड़ियाघर, आप लोग जानते हो जू चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर में कौन रहते हैं एनिमल्स रहते हैं। एक ट्रिक है, ये ट्रिक बता रहा है ना, ट्रिक है यानी कि जू का मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में एनिमल्स रहते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है जूलॉजी यानी कि इसको जंतु विज्ञान हम हिंदी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसमें जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा जंतुओं का, उसे क्या बोलेंगे जंतु विज्ञान बोलेंगे, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस। डेफिनेशन आप नोट करते चलेंगे, यहाँ पे जो बायोलॉजी हेडिंग डाले यहाँ पे अगर हम जूलॉजी लिखते तो जूलॉजी एकदम सेम है, जूलॉजी यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस, यहाँ पे द ब्रांच ऑफ साइंस की जगह क्या कर लेंगे द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, सिंपल है एकदम, क्या एकदम सिंपल है, बार बार आपको लिखना रहिए, आप लोग लिखते चलेंगे हमेशा द ब्रांच ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी कर सकते हैं ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी कर सकते हैं जूलॉजी, जो भी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसका इसका अध्ययन किया जाता है, आप लोग ध्यान देंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह हम क्या लिखेंगे एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, एनिमल सेम वही इस कार्ले कहा जाता है, कार्ले का मतलब कहा जाता है क्या, यहाँ पे ध्यान देंगे जूलॉजी, आपको काफी फीलिंग आएगी, एकदम क्लासरूम की फीलिंग आएगी यहाँ पे समझेंगे, यानी कि जूलॉजी का मतलब बताया कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज जूलॉजी, एकदम सिंपल है, आपको याद नहीं करना है, समझते चलना है, अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ नहीं रखना है, सब समझने वाली चीजें हैं। अभी हमने बताया कि जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे जूलॉजी बोलेंगे। अगर वहीं हम बात करें बॉटनी की तो बॉटनी हेडिंग डालेंगे तुरंत, यहाँ पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं मजे से देखिए लेकिन हेडिंग तुरंत डाल लीजिए क्योंकि आप पेन लेके बैठी थी तभी मजा आने वाला है ना। बॉटनी, बॉटनी हेडिंग डाल लिए हैं तो बॉटनी में लिखेंगे इसका डेफिनेशन सेम यही, द ब्रांच ऑफ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब एनिमल की जगह क्या लिखेंगे, एनिमल की जगह क्या लिखेंगे प्लांट्स, स्टडी ऑफ यहाँ पे कर लेंगे प्लांट्स, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ प्लांट्स, आप वो लोग बनाते चल रहा है स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज यहाँ पे क्या बॉटनी, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बॉटनी, यानी कि इसका मतलब वनस्पति विज्ञान, यानी कि जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं दीज आर बॉटनी। देन अगर हम बात करें फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी की, तो यानी कि जैसे हम बायोलॉजी में जनक की बात किए थे, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात किए थे, वहीं पर हम जूलॉजी में फादर ऑफ जूलॉजी की बात करेंगे, फादर ऑफ बॉटनी की बात करेंगे, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है अरस्तु, कौन है अरिस्टोटल है, कौन है अरिस्टोटल, यहाँ पे लिख लेंगे फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज अरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि जन वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, यहाँ पे लिखेंगे फादर ऑफ, फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज, यहाँ पे जगह है इज नोन एज अरिस्टोटल, ध्यान देंगे जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अरस्तु, ध्यान देंगे एंड फादर ऑफ बॉटनी, एंड फादर ऑफ, फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी इज नोन एज, इज नोन एज क्या नोन एज, यहाँ पे लिख दे रहा है साइंटिस्ट का नाम थियो, थियो फ्रेस्टस, यानी थियो फ्रेस्टस को क्या कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट हमेशा ध्यान देंगे फादर ऑफ बॉटनी, जो भी साइंटिस्ट है इनका नाम याद करते चलेंगे हमेशा, ये सब क्या है आपके सिलेबस में आएगा नहीं, कहीं पे कम लिखने ज्ञान में आएगा नहीं, मेन चीज आपको क्या है ये सब जरूर चीजें हैं क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हो ये सब चीजें जानना क्या है जरूरी है, इस वजह से हमेशा इसको जानेंगे कि फादर ऑफ बॉटनी क्या है थियोफ्रेस्टस है, देन फादर ऑफ जूलॉजी दैट इज अरिस्टोटल। अब आप लोग कह रहे होंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ जूलॉजी भी है, कौन अरिस्टोटल एंड फादर ऑफ साइंस भी इनको कहा जाता है, किसको अरिस्टोटल को, हमेशा ध्यान देंगे तीन फादर हैं, यानी कि तीन चीजों के फादर इनको कहा जाता है, हमेशा नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे
फादर ऑफ साइंस जिन्होंने अरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बायोलॉजी जिन्होंने अरिस्टोटल एंड फादर ऑफ जूलॉजी स्कॉल्डेस या जिन्होंने अरिस्टोटल, यानी कि तीनों के फादर कौन है आपके? अरस्तु जी हैं। क्यों यही है आप लोग ध्यान दें, क्यों यही है? क्योंकि ये क्या है, काफ़ी ना बायोलॉजी के लिए क्या किए हैं, काफ़ी योगदान है इनका। एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम इनके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी योगदान रहा है इनका, अरिस्टोटल का, अरस्तु का। इस वजह से ये क्या है, फादर ऑफ आपके, फादर ऑफ क्या है, राइट इज बायोलॉजी जूलॉजी एंड साइंस, तीनों के क्या है, फादर है। एंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है, ध्यान देंगे फादर ऑफ बॉटनी कौन है, ये हम मिटाने जा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ड्रॉप कर दे रहे हैं इसको। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफेस्टस, माय स्टूडेंट। अब आप लोग क्या किए अभी तक जो भी लेक्चर में पढ़े हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा आज का लेक्चर, जो कि हमने देखा कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, वाटर बायोलॉजी, एंड इसमें हमने देखा कि बायोलॉजी टर्म का सबसे पहले यूज कौन से साइंटिस्ट ने किया था, इसके बारे में देखा। देन इसमें हमने देखा कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में, यानी डिवाइडेशन ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करी, जो कि टू टाइप का था ना, जूलॉजी बॉटनी। देन इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में बात करी। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसको क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे और उसके बाद घबराएंगे नहीं। अगर सोच रहे होंगे कि इंग्लिश है तो सेम एकदम इंग्लिश हिंदी क्या एकदम सेम है, आगे चल करके आप जो भी तैयारी वगैरह करोगे, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ गोल बना के चलना है, क्योंकि आप लोग क्या लिए, साइंस लिए हैं। साइंस लेने का मतलब क्या है, साइंस लेने का मतलब क्या है, आगे चल करके कुछ हमको क्या करना है, कंपटीशन लेवल तैयारी देखना है ना। इस वजह से जो भी चीज़ आगे करेंगे सब कुछ इंग्लिश में मिलने वाला है, हमेशा ध्यान देंगे। इस वजह से आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे समझेंगे। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।